बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड वेलकम टू अस्टल किचन मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं अस्टल किचन तो जी एक नई रेसिपी के साथ हम आपकी खिदत में हाजिर हो चुके हैं आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही शानदार है आज मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी मैं एक ही डो के साथ आपको चार किस्म के समोसे बनाना सिखाऊँगी यानी कि हम बनाएँगे मिनी समोसा बड़ा समोसा पॉकेट समोसा और समोसा रोल तो बहुत ही आसान रेसिपी आप जल्दी से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक फिर आएँ हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे खुले मुँह वाला कोई सा हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे चार कप मैदा अगर आप इसको ग्रामेज में देखेंगे तो ये होगा तकरीबन 400 ग्राम जी तो ये चार कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है अब इसे हम छान लेंगे जब भी आप मैदा या आटा वगैरह यूज़ करते हैं तो हमेशा उसको छान के यूज़ किया करें अब इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक वन टेबल स्पून जाएगा इसमें ऑयल या फिर घी तो इसको पहले हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स तो इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम इसके साथ पट्टियाँ बनाते हैं तो वो बहुत ही परफेक्ट तैयार होती हैं जी तो अब इसके अंदर जाएगा पानी पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं नीम गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नीम गर्म पानी यूज़ करने से ये होता है कि हमारी जो समोसा बटी की डो होती है बहुत परफेक्ट तैयार होती है और जल्दी तैयार हो जाती हैं तो बस पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना आपने बस हल्का सा इसको गर्म करना है ये तो सारा जो आटा है मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है तो अब हमने बिल्कुल इसको आटे की तरह गूंदना है जिस तरह के हम आटे को गूंदते हैं जब हम इसको गूंदेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं करना बस हम इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे ताकि हमारी पट्टियाँ बहुत अच्छी सी तैयार हो सकें और बार बार इस पर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है अच्छा जी तो फ्रेंड्स देखिए तकरीबन पाँच मिनट हो गए मुझे इसको गूँते हुए तो अब हम थोड़ा सा इसको यूँ मिक्स कर लेंगे और इसका हम यूँ इस तरह से एक पेड़ा सा बना लेंगे और जी हम एक बाउल लेंगे इसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे बस इतना ही इनफ है इसमें ऑयल जो मैंने डाला है और अपना ये जो हमने आटा तैयार किया है इसमें ऐड कर देंगे हम इसमें रख देंगे इसको तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर से ग्रीस कर देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए जी तो इस पर मैंने ऑयल लगा दिया है अब इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे पंद्रह मिनट के लिए जी तो हमारी जो डो है वो सेट हो चुकी है तो अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं साइड पे और थोड़ा सा हम लेंगे खुशका और इसमें से हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने जैसे कि हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं तो उससे हाफ़ हम पेड़ा लेंगे और समझने के जितना कि हम पूरी के लिए पेड़ा लेते हैं वैसा हम पेड़ा लेंगे इस साइज़ का हम पेड़ा बना लेंगे इसको थोड़ा सा इस तरह से मैदा लगाएंगे और इसको हम साइड पर रख देंगे जी तो इसी तरह से सारे पेड़े मैं तैयार करूँगी जी तो देखिए जिस पर पे मैं पेड़े रख रही हूँ उसके नीचे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है ताकि ताकि हमारे जो पेड़े हैं प्लेट के साथ चिपके ना जी तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सारे बॉल जो हैं यानी कि जो सारे पेड़े हैं मैंने निकाली हैं ये 400 ग्राम में तकरीबन 15 पेड़े तैयार हुए हैं तो अब हम इसे करेंगे साइड पे और हम लेंगे रोलिंग स्लैब और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे जी तो हम इस तरह से एक पेड़ा लेंगे और इसको हल्का सा हम यू प्रेस करेंगे थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे और अब इसे हम रोलिंग पिन से थोड़ा सा फैला लेंगे इसको हम ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, बस हल्का सा ही हमने इसको फैलाना है जितना हम रोटी के लिए फैलाते हैं ना इसको उतना ही हम इसको फैलाएंगे। तो देखें मैंने इसका साइज़ कितना रखा है अब इसे हम करेंगे साइड पर और अगला पेड़ा लेंगे देखिए फ्रेंड्स मैंने पांच रोटियां बेल ली हैं अब थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे पहली वाली रोटी को उठा के और इसके ऊपर हम ब्रश कर देंगे ऑयल तो ऑयल जो है इस पर लाजमी लगाइएगा क्योंकि इसके बगैर फिर आपकी पट्टियाँ खुलेंगी नहीं तो इसको हम अच्छी तरह से फैलाएंगे ताकि इसके किनारों पे भी अच्छी तरह से ऑयल लग सके तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर कर देंगे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट तो मैदा किस तरह से डस्ट करना है तो छन्नी के ऊपर से मैंने छान के इसको डस्ट किया है जी तो अब अगली रोटी उठाएंगे हम इसके ऊपर रख देंगे इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे अब इसके ऊपर तीसरी रोटी रखेंगे हम मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर चौथी रोटी फिर से हमने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया जी तो इसके ऊपर पांचवी रोटी रखेंगे और पांचवी रोटी के ऊपर हम जो है ऑयल नहीं लगाएंगे, इसकी साइड थोड़ी सी चेंज कर लेंगे और ये जो नीचे मैदा है इसको जो हम फैला देंगे और ये देखें इस तरह से अब हम रोलिंग पिन से इसको फैलाएँगे एक ही साइज़ में हम इसको बेल के बड़ा करेंगे जी तो इसको मैंने फैला लिया है तो साइज़ इसका देखिए मैंने इसकी मोटाई कितनी रखी है क्योंकि हमने इसके पीस अलग अलग करने हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे तो अब हम इसे पकाएंगे जी तो फ्रेंड्स मैंने तवा गैस पे रख दिया है फ्लेम ऑन कर दिया है फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो रखा है अब जो हमारा तवा है वो गर्म हो चुका है हमने ये जो रोटी बेली थी इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से और हमने इसको हल्का सा जो है सेक लगवाना है ज़्यादा हम इसको सेक नहीं लगाएंगे ज़्यादा नहीं सेकेंगे तो जैसे ही एक साइड का कलर चेंज होगा तो साइड हम चेंज कर देंगे जी तो इसको मैंने सेक लगवा लिया है अब इसकी साइड कर देंगे हम चेंज जी तो हम इसको यूँ इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी हम साइड चेंज कर देंगे तो आप देख भी रहे होंगे कि ये देखें हमारी जो रोटियाँ हैं वो किस तरह से खुल गई हैं तो हमने इसको बेसिकली खोलना ही था तो अच्छी बात है ये पहले से ही यानी कि इसके किनारे साथ चिपके हुए नहीं हैं तो ये बहुत परफेक्ट तैयार हुई हैं इसका मतलब है तो तकरीबन इसकी जो नीचे वाली साइड है वो भी हो चुकी है पक चुकी है वो भी तो इसको हम अब निकाल लेंगे बस मिल जी तो ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है अब हम क्या करेंगे जी इसको हम खोलेंगे इसको हम खोलेंगे और सेपरेट कर लेंगे ये देखिए कितनी आसानी के साथ एक रोटी जो है वो अलग हो चुकी है हम इसको साइड पे रखते जाएंगे और सारी रोटियां जो हैं इसी तरह से हम खोल लेंगे जी तो अब हम सारी रोटियां रखेंगे ऊपर नीचे तो पांच पांच के हिसाब से मैं इसकी कटिंग आपको बताऊंगी जी तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ कटिंग के लिए आप नाइफ़ से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं तो पहले हम यूँ इसकी साइडों पर इसको ऐसे काट लेंगे बस मिल और ये जो कटिंग हुई है ये जाया नहीं जाएंगी इससे हम पापड़ियां तैयार कर लेंगे जी तो ये देखें ये कटिंग हो गई है ये मैंने कटिंग जो की है ये मैं समोसे की कटिंग की है तो अब हम यूं इसके सेंटर से तो अब हम यूं इसके सेंटर से काट लेंगे आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपसे कटिंग नहीं हो रही तो आप स्केल रख सकते हैं उसकी मदद से आप कटिंग कर सकते हैं जी तो इसको हम साइड पे करते हैं अब आपको मैं रोल की कटिंग सिखाती हूँ तो इसी तरह से हम पांच रोटियाँ ले लेंगे तो ये मैंने पांच रोटियाँ ले ली हैं तो इसको हम यूँ इस साइड से पहले कट लगाएंगे और अब इसको यूं घुमा लेंगे और यहाँ पे हम इसको कट लगाएंगे हमने इसको इक्वल करना है यानी कि हमने स्केयर में इसको काटना है जी तो ये देखिए ये हो गई हमारी रोल की कटिंग तो अब बड़े समोसे की कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ जी तो बड़े समोसे की कटिंग करने के लिए हम जस्ट इसके सेंटर में कट लगाएंगे जी तो देखें ये हमारे बड़े समोसे की कटिंग हो गई है जी तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से रोल तैयार करना है यूँ हमने एक साइड पकड़नी है ऐसे 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 और इसको हमने यूँ रोल कर देना है और समोसा की हमने छोटा समोसा जो है मिनी समोसा उसको कैसे बनाया जाता है हम इसका ये वाला कोना पकड़ेंगे इसको हम रखेंगे ऐसे फिर हम इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे और उसके बाद हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है तो ये जो हमारे पास साइड बच जाएगी इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास मिनी समोसा बन गया तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा समोसा कैसे बनाते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है बल्कि आपको आता ही होगा ये देखें जी ये हो गया हमारा बड़ा समोसा तैयार जी तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉकेट्स मौसा कैसे तैयार किया जाता है हमने दो शीट्स लेनी है तो इस तरह से हमने इसको रख दिया यानी कि हमने ये क्रॉस बना लिया तो अब हमने एक पट्टी पकड़ी ऐसे रखनी है फिर दूसरी ऐसे तीसरी इस तरह से और चौथी इस तरह से तो ये देखें ये बन गया हमारा पॉकेट समोसा तो जी फ्रेंड्स हमारी समोसा पट्टी या फिर हमारी समोसा शीट तैयार हो चुकी है बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको तैयार किया है बस आपने क्या करना है आपने करना है पूरी वीडियो को वाच कहीं से स्किप नहीं करना क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो छूट जाती हैं और आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती तो जी सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में आपने क्या करना है जी आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक तो फिर मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी में अल्लाह हाफिज़